ये 16वीं सदी में बनी थी। गाइस वेलकम बैक श्वेता कुजूर व्लॉग्स चैनल। तो आज मैं आप लोगों को कुछ स्पेशल जगह लेकर के जा रही हूँ और आप लोग मेरी इधर उधर की वीडियो देख देख करके बोर भी हो चुके होंगे, तो मैं सोची कि आज आप लोगों को स्पेशल जगह जहाँ पे मैं बहुत कम वीडियो बनाती हूँ, तो आज मैं आप लोगों को लेकर के चल रही हूँ मुंबई का सबसे बड़ा चर्च और सबसे प्रसिद्ध सबसे पुराना चर्च लेकर के जा रही हूँ। ये है मुंबई बांद्रा में और ये 16वीं सदी में बनी थी और इसका जो निर्माण स्टार्ट हुआ शुरू 16वीं सदी में बनने के बाद कुछ टाइम बाद यहाँ की जो चर्च बंजर बन चुकी थी उसके बाद में 1761 में यहाँ का निर्माण फिर से शुरू हुआ। फिर उसके बाद में अभी तक जो है वो मैं नहीं देखी हूँ और आप लोगों को भी दिखाऊंगी, मैं भी देखूंगी, साथ में सब लोग देखेंगे। तो चलिए आप लोग वीडियो में बने रहिए। तो सामने में आप लोग देख सकते हैं हमारे यीशु जी क्रूस पर हैं और ये शायद फर्स्ट स्टेप हम लोग इधर से आ गए हैं और अभी हम लोग यहाँ से अंदर की ओर जाएंगे। गाइस तो फाइनली हम लोग चर्च के जो मेन गेट है वहाँ पे पहुँच चुके हैं और मैं आपको दिखा। तो गाइस फाइनली आप लोग देख सकते हैं चर्च बहुत ही पुराना चर्च है और बहुत ही सुंदर लग रहा है, ये आप लोग देख सकते हैं चर्च। और अभी मैं आप लोगों को अंदर यदि वीडियो बनाने देंगे तो मैं अंदर घुस करके बनाऊँगी। तो ये फाइनली देख सकते हो चर्च का लुक। अंदर घुस करके मैं बाहर आ चुकी हूँ और अंदर में वीडियो और फ़ोटो किसने नहीं दे रहे थे, फिर भी से मैं चुपके चुपके आप लोगों के लिए फ़ोटो क्लिक कर रही हूँ क्योंकि ये बहुत फेमस और पुराना चर्च है। कहा जाता है कि यहाँ पे जो भी अपनी मन्नतें मांगते हैं वो पूरा होता है। मैं इन चीज़ों में तो विश्वास नहीं करती हूँ लेकिन जो विश्वास करता है एक बार ज़रूर आएँ और यहाँ पर अपनी जो मन्नतें हैं वो रखें, प्रेयर करें, हो सकता है आप लोगों की जो मन्नतें हैं विनती है वो पूरी हो और उम्मीद करती हूँ कि ज़रूर पूरी होगी और उसके साथ साथ मेहनत भी करना पड़ेगा। तो आप लोग ज़रूर आइए एक बार यहाँ पे और अंदर घुसने से इतना शांत और इतना अच्छा फील होता है कि मैं बता नहीं सकती। वैसे तो हर जगह ऐसा ही लगता है लेकिन यहाँ की जो फीलिंग्स है गाइस बहुत ही अच्छा। ये उनका दर्शन करके जाइएगा, यीशु अंदर में एक मूर्ति है यीशु का, वहाँ पे उनका पैर है, उनका छू करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो आप लोग जाइए और विजिट कीजिएगा। तो गाइस मैं दिखाती हूँ बाहर से व्यू कैसे है यहाँ का। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे बहुत बड़ी माता मरियम का मूर्ति है, हाँ ऊपर में देख सकते हैं बहुत ही हाइट में माता मरियम का मूर्ति है और ये बाहर में पता नहीं क्या जला रहे हैं। और इधर ये मोमबत्ती देख सकते हैं, ले करके जाऊँगे तो टूट जाएगा पर लेके जा नहीं सकते। हाँ कितने का है भैया ये? तो है गाइस फाइनली मैं बाहर आ चुकी हूँ और इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग यहाँ पे ज़रूर विजिट कीजिए, अच्छा लगेगा। वीडियो में देखना और रियल में देखना बहुत ही अंतर होता है, तो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगे तो एक लाइक, माता मरियम के नाम। तो आप लोग भी यहाँ पर आइए और माता मरियम का आशीर्वाद आप लोगों के ऊपर बनी रहे। सो बाय बाय, टेक केयर।